नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल एडु इन्फो में। दोस्तों एमपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए यहां पे एक लेटेस्ट अपडेट है, साथ में दोस्तों एक आदेश भी जारी हुआ है जिसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी आप इसके मत करिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी नवीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा थी, यानी कि दोस्तों आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम थे वो आपके 29 तारीख से स्टार्ट हुए थे, जो कि दोस्तों कल यानी कि 8 तारीख को आपका एग्जाम यहाँ पे फिनिश हो गए। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड की दोस्तों जो त्रैमासिक परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों जो आपके ऑफिशियल जो पेपर थे वो पहले यहाँ पे यूट्यूब पर और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए थे। इसी तरीके से दोस्तों जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है इसके भी दोस्तों जो आपके ऑफिशियल पेपर थे विद सॉल्यूशन दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पे आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिए गए थे, जिस कारण दोस्तों जो आपकी एमपी बोर्ड की दोस्तों जो परीक्षा होती है उसकी गोपनीयता यहाँ पे दोस्तों भंग की गई है। तो दोस्तों अब इसके खिलाफ दोस्तों यहाँ पे सरकार एक्शन ले रही है और जिस कारण से भी दोस्तों यहाँ पे जो पेपर वायरल हुए हैं उन सभी के खिलाफ दोस्तों यहाँ पे आपका एक्शन लिया जाएगा। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों जो भिंड जिले के कलेक्टर हैं उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है, जो कि दोस्तों कारण बताओ यहाँ पे नोटिस जारी किया गया। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो नोटिस है कल यानी कि 8 तारीख को शाम को इसको जारी किया गया। यहाँ पे आप देखिए कार्यालय कलेक्टर जिला भिंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे आप देखिए कारण बताओ सूचना पत्र प्रति श्री एच बी तोमर जिला शिक्षा अधिकारी भिंड। दोस्तों जो जिला शिक्षा अधिकारी है भिंड उनके लिए यहाँ पे कारण बताओ यहाँ पे आदेश जारी किया गया। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद करें और डाउट नेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाए, जहाँ इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट सिखाएंगे आपको इंग्लिश बोलना, वो भी हिंदी भाषा के साथ बिल्कुल बेसिक से। तो अगर आपको इंग्लिश बोलने में होती है हिचकिचाहट, या फिर अगर आपको करनी है इंटरव्यू की तैयारी, या फिर अगर आप इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप प्ले स्टोर से और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स खरीदें और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को यहाँ पर सच करें। यहाँ पे आप देखिए एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आयोजित भिंड जिले का हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल लीक हो जाने संबंधित तथ्य संज्ञान में आया है, जिससे जिले की छवि यहाँ पे धूमिल हुई है। जबकि आपको भली भांति ज्ञात है कि परीक्षा संबंधी सामग्री गोपनीय होती है तथा इसकी सुरक्षा एवं निगरानी अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा परीक्षा संबंधित कार्य को गंभीरता से नहीं लिया गया है, जो कि अत्यंत आपत्तिजनक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये पूरा आदेश जारी हुआ है, जो कि दोस्तों यहाँ पे जो भिंड जिले के जो कलेक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पे आदेश जारी किया गया है कि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा थी 10वीं और 12वीं के, उसके दोस्तों जो ओरिजिनल पेपर थे किस तरीके से यहाँ पे लीक हो गए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एमपी बोर्ड ने पहले यहाँ पे तैयारी कर ली थी। जिस तरीके से दोस्तों आपकी त्रैमासिक परीक्षा के पेपर लीक हुए थे उस तरीके से दोस्तों जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर थे वो आपके लीक नहीं होने थे, इसकी दोस्तों यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली। लेकिन फिर भी दोस्तों जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर थे वो यहाँ पे दोस्तों आपके वायरल हो गए थे विद सॉल्यूशन, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे थे। तो दोस्तों जो आपके ओरिजिनल पेपर हैं वो किस माध्यम से यहाँ पे आपके लीक हुए हैं, इन सब के खिलाफ दोस्तों यहाँ पे आपकी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वाला जो नोटिस है पूरा डिटेल में पढ़ना है तो जो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक न्यूज़ भी पब्लिश हुई है, जो कि आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पे पब्लिश हुई है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए त्रैमासिक के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा के भी पर्चे यहाँ पे लीक हुए हैं, यूट्यूब पर 2 दिन पहले ही मिल रहे थे छात्रों को पेपर, कार्रवाई के नाम पर कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको फोटो भी दिखाई जा रही है, जो कि दोस्तों यहाँ पे एक यूट्यूब चैनल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये लापरवाही वार्षिक परीक्षा में भारी ना पड़ जाए, जल्द ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होना है, जब अर्धवार्षिक परीक्षा में परीक्षा को लेकर इस तरीके की लापरवाही यहाँ पे बढ़ती जा रही है तो सोचा जा सकता है कि वार्षिक परीक्षा में इसके परिणाम क्या होंगे, ऐसे में जरूरत है पेपर वायरल करने वाले लोगों पर यहाँ पे सख्त कार्रवाई की। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, अगर इस तरीके की दोस्तों जो परीक्षा है इसके पेपर दोस्तों आपके मेन एग्जाम होने से पहले यहाँ पे यूट्यूब पे वायरल हो जाएंगे तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों इसका जो असर है आपकी जो वार्षिक परीक्षा 10वीं और 12वीं उस पर भी आपका पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जो हुई थी उसमें दोस्तों जो आपके पेपर वायरल किए गए हैं इनके खिलाफ दोस्तों यहाँ पे आपकी कार्रवाई की जाएगी और इसकी दोस्तों जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट भी हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और न्यूज़ देख सकते हो, जो कि आज यानी कि 9 तारीख की है, यहाँ पे दोस्तों जो आपका एक्शन यहाँ पे आपका लिया जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई, परीक्षा प्रभारी को किया गया सस्पेंड, यानी कि दोस्तों जो परीक्षा प्रभारी थे उनको यहाँ पे आपको सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ पूरा डिटेल में पढ़ना है तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपकी क्या राय है, इस तरीके से दोस्तों जो आपके ओरिजिनल पेपर है वो आपके पहले यहाँ पे वायरल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और दोस्तों जिस भी माध्यम से आपके यहाँ पे जो पेपर है वायरल किए जा रहे हैं उनके खिलाफ दोस्तों यहाँ पे कार्रवाई की जानी चाहिए या फिर नहीं की जानी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और एमपी बोर्ड की दोस्तों सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।